श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर बरगद के पेड़ के बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। दोस्तों, बरगद का पेड़ रातों रात बदल देगा आपका भविष्य, बस आपको एक काम करना होगा। दोस्तों, बरगद के वृक्ष का हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है। हिंदू धर्म में बरगद को पूजनीय माना गया है। मान्यता के अनुसार अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष का जन्म हुआ है। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसे बरगद का पेड़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो महिलाएं संतान सुख पाना चाहती हैं, उनके लिए बरगद की पूजा का खास महत्व है। कहते हैं बरगद के पेड़ में जल डालने और रोजाना इसकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ऐसे में आपके घर में भी संतान आ जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर कोई ऐसी महिला जिससे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस महिला को सोमवार के दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग बना लें और फिर उस शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको 7 बार 7 चम्मच दही के डालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको उस शिवलिंग को जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। साथ में आपको एक बट वृक्ष की थोड़ी सी लकड़ी लेकर आनी है और उस लकड़ी को आपको अपने घर के पास किसी शिव मंदिर में ले जाना है। शिव मंदिर में ले जाकर दोस्तों आपको 21 बार शिवलिंग के ऊपर से बार कर आपको उसे अपनी कमर में बांध लेना है। 7 दिन तक के लिए आपको कमर में उसे बांधे रखना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से महिला के संतान के प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। कहते हैं शनिवार की अमावस्या को बरगद वृक्ष की पूजा और उसकी 7 परिक्रमा करके काले तिल डालकर तेल का दीपक जलाने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको शनिवार की अमावस्या जिस दिन भी पड़े, ठीक है, उस दिन आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आपको तेल का इस्तेमाल करना है। साथ में आपको लंबी वाली बाती लेनी है और थोड़े से दाने उसमें काले तिल के डालकर आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे उसे जला देना है। फिर आपको 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में अमावस्या की समाप्ति पर वट वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही देखिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, तो ऐसे में आप बरगद के नीचे बैठकर घी का एक दिया जलाएं, उसके बाद ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जप करें। ये उपाय आपको रोजाना सुबह सभी के उठने से पहले करना है। इस उपाय से घर के सभी दुख तकलीफ दूर होते हैं। इसके अलावा बरगद के नीचे प्रार्थना करने से दाम्पत्य जीवन भी खुश रहता है। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो रविवार या फिर किसी भी दिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, इससे नई नौकरी भी जल्दी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के लिए शनिवार के दिन बरगद के तने में हल्दी और केसर चढ़ाकर बरगद के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाकर वहाँ बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनका स्मरण करके अपनी व्यापार में प्रगति के लिए आप बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में दोगुनी और चौगुनी तरक्की होने लगेगी। बिना किसी वजह से बार बार हर काम में अड़चन आ रही है, तो यह कई दोषों के कारण भी हो सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन बरगद के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपके हर काम बनने लगेंगे। अगर आपके काम में कोई भी बाधा आ रही है, तो रविवार के दिन बरगद के पेड़ का ये उपाय
बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर उसे बहते हुए पानी में, नदी या फिर यमुना जी में बहाने से मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। देखिए, घर के लड़ाई झगड़ों और कलह आदि से परेशान रहने वाले लोग नियमित रूप से बरगद के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे विवादित चीज़ों का अंत होता है और कलह से भी छुट्टी मिलती है। परिवार के किसी भी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह खत्म हो जाता है, साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी कथा सुनकर आपको हमने बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।